हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज देखेंगे दोस्तों हम लोग सिटी ऑपरेटेड रिले। ये सिटी ऑपरेटेड रिले क्या चीज़ है और कैसे और कहाँ लगाना है, इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे हम। देखिए, ये है सिटी ऑपरेटेड रिले। इसके अंदर ऑलरेडी सिटी रहता है। ये रिले को आप नॉर्मल ओवरलोड रिले के हिसाब से आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो सिटी ऑपरेटेड रिले के हिसाब से मॉडिफिकेशन होता है। देखिए 95 और 96, 97 और 98, ये आपका NONC वाला जो कंटेक्ट है वो ऑलरेडी है, उसी को भी सर्किट में लाना पड़ता है। आइए मैं इसके बारे में दिखा रहा हूँ आपको क्या होता है इसका जो ऑपरेशन, और इसके बारे में ज़रूर मैं बताऊंगा क्या होता है। देखिए, देख सकते हैं ये रिले, ये सिटी ऑपरेटेड रिले है और ये हाई स्पीड मोटर में हम लोग लगाते हैं। देख सकते हैं ये सिटी है, 1 2 3 सिटी लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी। ये सिटी है और 30 एम्पियर का, 30/5 का ये सिटी है। ये देख सकते हैं आपने 1 2 3, और इनपुट और आउटपुट इसमें दिया हुआ है। 1 2 3 मतलब ये इनपुट में लगेगा और दूसरा साइड ये आउटपुट में लग जाएगा। ये आपका है सिटी ऑपरेटेड रिले, ये इसका बेस है। देख सकते हैं ये बेस है, और इसको आपको पहले टेस्ट करना है कि काम कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में देख लेते हैं। ये सीमेंस कंपनी का है। इसकी जो मॉडल है 3U58 का है और 30/5 एम्पियर का है। ये 10 से 16 एम्पियर का ये सिटी ऑपरेट रिले है। 75 किलोवाट की मोटर में आपने लगा सकते हैं ये जो सिटी ऑपरेटेड रिले है। देख सकते हैं आप, इसी के बारे में बता रहा हूँ। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हमने। आइए देख लेते हैं, ये क्लास 30 का है ये। इसमें 30 से 40 का टॉर्क रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, और ये रिले लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देख सकते हैं ये रिलेटेड हैंड एच है, और इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। ये देखिए इसका सेटिंग है, ये शटलिंग है, सेकेंडरी है रिले, सेकेंडरी शटलिंग है। इसके बारे में बता रहा हूँ, ये रिले सेकेंडरी शटलिंग है। इसको कैसे आपने शॉर्ट करना है सेकेंडरी में, देखिए हमेशा अपने जो आपने डिस्क टाइप या बार टाइप भी रिले लगाते हैं तो उसमें सेकेंडरी शॉर्ट करते हैं। इस तरह से इसका टर्मिनल यहीं दिया रहता है, ये सेकेंडरी शॉर्ट है। देखिए आर पे शॉर्ट हुए, वाई और बी पे शॉर्ट हो गया है, तीनों फेस यहाँ से शॉर्ट हो गया है। ये यू टाइप का जो आपका एक ओपन लेयर का वायर लेके उसको शॉर्ट कर दिया गया है। देख सकते हैं शॉर्ट हो गया रिले, और ये सेकेंडरी हमेशा कहीं भी आपने जाइए तो सेकेंडरी जो रिले होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, और इसीलिए भी इसको शॉर्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं इसकी करंट सेटिंग में। देखिए ये देखिए 0.625 से ये 1 एम्पियर तक का रेंज है, मतलब जब 0.625 करेंगे तो ये 10 एम्पियर जाएगा, और 1 में रखेंगे तो ये 16 एम्पियर का करंट लेगा। ठीक है, ये रिले कैसे काम करता है, जब आप करंट सेट करेंगे 10 एम्पियर में तो 10 एम्पियर से ज़्यादा जब करंट जाएगा तो आपका सिटी मेजरमेंट करेगा करंट को। इसमें मीटर लगे रहता है, ये मीटर भी लगे रहता है इसमें। सिटी ऑपरेट रिले जहाँ है वहाँ पर आपको एम्पियर मीटर भी मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, अगर 10 से 11-12 एम्पियर जा रहा है तो ये ट्रिप करा देगा, क्योंकि इसका जो सिटी हमने सेट किए हैं जो रेंज के हिसाब से वो 10 एम्पियर पे। ये देखिए ये आउटपुट टर्मिनल है, और इसमें काउंसन में दिया गया है कि इस काउंसन देख लेते हैं कि क्या दिया है इसमें। सावधानियाँ, डू नॉट टेस्ट द रिले विदाउट करंट ट्रांसफार्मर सिटी। ये रिले को हमने करंट ट्रांसफार्मर सिटी जो है उसी का साथ ही लगा सकते हैं, और अनदर साथ हमने नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल थर्मल लोड ओवरलोड रिले की तरह हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है इसी में। देख सकते हैं
ये सिटी ऑपरेटर लिए हम कहाँ यूज करेंगे, हाई स्पीड वाला मोटर है वहाँ पर यूज करते हैं, करंट मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं कि ये 10 एम्पियर से ज़्यादा ना जाए, 12 एम्पियर से ज़्यादा ना जाए, 15 एम्पियर से ज़्यादा ना जाए, इसे सेट करते हैं। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो सीमेंस कंपनी का, ये बहुत मतलब कोई अब तक फट नहीं आया है इस रिले में, अच्छा है ये। और देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ, जो शटलिंग अगर आपका ओपन है तो हाई इंडक्शन से आपका सिटी ब्लास्ट भी कर सकता है, इसीलिए जब भी आप शटलिंग को एक बार टाइटनेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए जिसको मैं कवर किया वो शटलिंग है, और आपका अनदर साइड ये ओपन रहता है, ROIP देना है। इसके बाद ये देखिए इस तरह से ये कनेक्ट होता है, देख सकते हैं ये AC कनेक्ट हुआ और लोड पे चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल, धन्यवाद।